गाइस हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे तो यहाँ पर चेकिंग वगैरह होने लगी। भैया वगैरह भी सब चेकिंग कर रहे हैं और तो चेकिंग चलने दो। हाय दिस इज अरविंद सिंह एंड यू आर वॉचिंग डे विद एएस। और भाई आई नो कि आप लोगों से मैं काफी टाइम बाद मिल रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक से डेढ़ साल बाद मिल रहा हूँ, क्योंकि मैंने फुल ब्लॉग बंद कर दिया था और मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया था जो कि 200 हार्ड डिस्क चैलेंज था। और भाई वो मेरा अभी भी चल रहा है, 185 डेज प्लस हो चुका है और अभी बस 15 से 20 दिन और बचे हैं, तो देखते हैं वो अपना जल्दी से जल्दी कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि वो तो चल ही रहा है तो आप लोग लिए और एक और मस्त सीरीज लेके आऊं, ज्यादा दिनों की नहीं, 3 से 4 दिन की सीरीज है जो कि है भाई पचमढ़ी सीरीज। और भाई समर का टाइम चल रहा है तो भाई कहीं ना कहीं घूमने तो जाना है और पचमढ़ी जैसी जगह हो तो भाई जाना तो बनता ही है। तो भाई मैं और मेरे कजन्स वगैरह जा रहे हैं घूमने के लिए तो भाई बहुत ज्यादा मजे होने वाला है। तो भाई सबसे पहले वेलकम बैक टू एपिसोड 1 और पचमढ़ी। मेरा सामान पैक तो हो चुका है और भाई सामान हमारा इस रूम में रखा है। ये रहा हमारे 4 बैग, 1, 2, 3, 4, ये सर्विस का बैग है और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। अरे भैया आ रहे हैं, वो लेंगे हमको पिक करेंगे एंड देन फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो चलो आगे मिलते हैं। यहाँ से अपन को नयन छोड़ेगा और टोल पे दूसरी गाड़ी आएगी। तो गाइस अपनी यहाँ से ट्रिप चालू हो चुकी है और यहाँ से टोल तक अपन को नयन छोड़ के आएगा और फिर वहाँ पे टोल पे अपनी दूसरी गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि भाई टोल बचेगा ना उससे, ना इधर से टोल लगेगा ना उस साइड से टोल लगेगा। चलो तो जल्दी अपन टोल पे मिलते हैं। तो गाइस अपने गौरव भैया आ चुके हैं और गोलू भैया से मिलो। तो 1, 2, 3, 4, 5 हम 5 लोग जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं फिलहाल, तो क्योंकि टोल अभी जस्ट पार गया और नयन छोड़ के निकल गया। गोलू भैया बताइए क्या मतलब, एक्साइटेड हो आप? क्यों नहीं, बिल्कुल बोले तो हो ना, फुल मस्ती करनी है, फुल मस्ती, फुल बकचोदी। चलो तो अपन सीधे गाड़ी में मिलते हैं। ये गाड़ी तो इसमें अपन ने सामान वगैरह तो रख दिया है और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। अब पूरे 4 दिन हम लोग खूब मस्ती करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो भाई बोलो पीतम्बरा माई की जय। तो अभी हम लोग झांसी तो आ चुके हैं और अभी सीट सही कर रहे हैं, एक सी कर रहे हैं ताकि हम लोग आराम से बैठ के पालथी मार के बैठ सकें। फिलहाल तो सामान एक सा हो रहा है और सीट एक सी हो जाएगी प्रॉपर। तो गाइस हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे तो यहाँ पर चेकिंग वगैरह होने लगी। भैया वगैरह भी सब चेकिंग कर रहे हैं तो चेकिंग चलने दो। क्यों गौरव भैया, तो इलेक्शन चल रहा है? अरे गौरव भैया कहाँ गए? चलो भाई तो चेकिंग हुई है, अपन निकलते हैं। ओके लेकिन नहीं तो एक बात जो है ना कि जैसे जब जब जैसे हमें समझ में आ गई कि तुम दूसरे को तुम्हारी वजह से कट रहा हो, जैसे हमने कहा हम तो ताज वाले हैं तो वो हमारी वजह से दूसरों काट रहा ना, नहीं तो एक तड़प रहा हो तो जरूरी का है तुम पीट तो आलू की सब्जी से ही भर जाए। सही बात है बताओ, तो इसलिए हमने छोड़ा ही हमने की छोड़ा। जय गुरुदेव जी, जय। फिलहाल अभी हम लोग ललितपुर पहुंचे हैं, आप कुछ खाने के लिए लेंगे गौरव भैया, क्यों? हाँ क्या लोगे गोलू भैया, आप बताओ। कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या खाओगे? जो सब खाएंगे। चलो तो शॉप पे आए, कुछ तो लेंगे। लोगों ने एक स्प्राइट की बोतल ले ली है, ये 2 लीटर की स्प्राइट की बोतल ले ली है, अब नमकीन ले लें और चिप्स वगैरह भी ले लेंगे। चिप्स वगैरह किसी को खानी होगी तो वो भी खा लेंगे अपन। तो गाइस ये अपनी कोल्ड ड्रिंक चल रही है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं और अपन एंजॉय कर रहे हैं और गौरव भैया भी एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं और बाकी सब इस साइड। भाई दारू वगैरह नहीं पी रहे हम, पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट, ये देखो। अभी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, सवालों मुझको ओ मेरे यारो समझना मुश्किल हो गया, मैं लुट गया दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा, मैं दिल रुबा गुलाबी आके जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो गाइस हम
लोग शाम को 4 बजे से निकले और 4 बजे से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया भाई। बहुत ढूंढा खाने के लिए कहीं मिल जाए जगह, बट अभी हमें एक छोटा सा ढाबा मिला है। ये देखो, देख सकते हो। पता नहीं अब यहाँ पे कैसा खाना मिलता है, चेक करते हैं मिलता है कि नहीं। नहीं मिलेगा तो आगे जाके खाएंगे। तो फाइनली गाइस, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद खाना मिल गया आखिर। अब हम लोग बस यहाँ पे बैठ के सब लोग खाना खाएंगे। ये सर खाना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत संघर्ष करने के बाद ये खाना मिला है, तो बहुत टेस्टी होने वाला है, मुझे पता है। जैसा भी होगा लेकिन बहुत टेस्टी होगा। चलो भाई खाते हैं और फिर मिलते हैं। तो गाइस हमारा खाना तो हो चुका है, अब सीधे हम लोग निकलेंगे पचमढ़ी के लिए। 2 से 3 घंटे में पहुँच जाएंगे ना? 2 घंटे। सो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे बाद पहुँच जाएंगे। तो अपन मिलेंगे सीधे वहीं पचमढ़ी। तो फाइनली गाइस हम लोग पचमढ़ी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं सुबह के 4 बज गए हैं। देखो गूगल मैप देखते देखते हम लोग आ गए, सुबह 4 बज गए हैं और चार बजे हम लोग निकले थे और 4 बजे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वेलकम टू पचमढ़ी। तो फिलहाल तो अभी हम लोग जाएंगे होटल वगैरह चेक इन करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि 12 घंटे से हम कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं सब लोग। तो पहले रेस्ट करेंगे, देन फिर सुबह उठ के मॉर्निंग में हम लोग मस्त नहाएंगे धोएंगे एंड देन फिर हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। तो चलो मिलते हैं अपन होटल पे। सो वेलकम टू पचमढ़ी गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं, अभी होटल देख रहे हैं, चेक इन करेंगे, अगर पसंद आता है तो लेंगे रूम, अदरवाइज कहीं और देखेंगे। तो चलो चलते हैं। गौरव भैया चलो उतरो जल्दी, होटल वगैरह देखते हैं। तो एक रूम ये है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है और ये यहाँ पे 2-3 लोग सो जाएंगे, एक गद्दा एक्स्ट्रा डलवा लेंगे। वॉशरूम है और वैसे भी हम लोग 5 लोग हैं तो अब एक रूम में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो पाते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने रूम ले चुके हैं और ये रहा अपना 104 रूम। तो पहले रूम देख लो, ये देखो कुछ रूम अपना इस तरह से है और यहाँ पर मिरर है। तो जल्दी से हम लोग पहले सोएंगे, रेस्ट करेंगे, देन फिर बाद में हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। तो पहले सामान वगैरह रख देते हैं और फोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, तो बने रहें। तो गाइस हम लोग रूम में आ चुके हैं और अब है टाइम सोने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो पहले रेस्ट करेंगे, फिर नहा धो के फिर चलेंगे घूमने के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।